एक किलो मटन के चाप हैं, थोड़ी सी हरी धनिया और मैंने 4 हरी मिर्च लिया है, आप मिर्ची अपने हिसाब से ले लें, थोड़ा सा अदरक और 10 जवे लहसुन के, इसे पीस के हमें पेस्ट बनाना है। 100 ग्राम्स दही है, 1 चम्मच मलाई और रोस्टेड चना दाल है जिसे मैंने पीस के उसका पाउडर बना लिया है। अगर आपके पास रोस्टेड चना दाल नहीं है तो आप बेसन को हल्का से भून के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ी चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 स्पून गरम मसाला और 1/4 स्पून मैंने लिया है तंदूरी मसाला। अगर तंदूरी मसाला नहीं है आपके पास तो गरम मसाले को बढ़ा दें। और यहाँ पर 2 पिंच मैंने कलर लिया है, 1 नींबू का रस है और 1 चम्मच ऑयल और नमक आपको अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। मैरिनेशन कर लेते हैं मटन चाप को। इसमें ये सारे सूखे पाउडर मसाले मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो सारे मसाले और बढ़ा के ले सकते हैं, जैसे कि मसाला ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से आप बढ़ा के सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये कर्ड है, मैंने यहाँ पे अपने हिसाब का मसाला लिया है, पर आप चाहें तो मसाला ज़्यादा ले सकते हैं। चना पाउडर, सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, ऑयल, जितना भी मैरिनेशन की चीज़ें हमें सारी अभी डाल देनी है, और ये मलाई 1 चम्मच। हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं इसके लिए इसमें कलर ऐड कर रही हूँ, अगर आप कलर नहीं ऐड करेंगे तो इसका लुक इतना अच्छा नहीं आएगा। और ये हरा मसाला जो मैंने आपको बताया था, धनिया मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल देंगे इसके अंदर। और इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे चाप के अंदर, सारे मसाले अच्छे से लग जाएं। ये चॉप्स में मैंने सारे मसाले लगा दिए, अब इसे मैं ओवरनाइट मैरिनेशन करके रख दूँगी फ्रिज के अंदर। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट 7 to 8 hours इसे मैरिनेशन करके रख दें। मसाले के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिया है जिसे मैंने गोल गोल कट कर लिया है, 2 चम्मच मलाई है या क्रीम आपके पास जो भी है वो ले लें। 2 चम्मच मलाई में हमें ये 10 जवे काजू के पीस के इसका पेस्ट बनाना है और 1/2 चम्मच कसूरी मेथी है। पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है और जो मैरिनेशन चाप है अब इसे इसमें डालूंगी मैं। इसे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, इस तरीके से। इसे बिल्कुल स्लो आँच पर हम पकाएँगे ढक्कन ढक के, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी पपाया पाउडर या पपाया का पेस्ट नहीं डाला है, इसलिए हमें मटन को स्लो आंच पे हल्के हल्के से पका लेना है। सारे पीस डाल देंगे इसमें। चाप मैंने सारे डाल दिए और इसके बचे हुए मसाला है इसे हमें संभाल के रखना है, इसी से मसाला बनेगा। और अब इसे स्लो आंच पे पकने देंगे ढक्कन ढककर, जब तक के गोश्त गल ना जाए। 7 से 8 मिनट तक मैंने इसे ढक के रखा था। और अब इसके टुकड़ों को हमें टर्न कर लेना है, सारे चाप के पीसेस को। सारे पीसेस को मैंने टर्न कर दिया है, अब इसे फिर से ढक के रखेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से हो गई है, दोनों साइड से कलर भी अच्छा आ गया और गोश्त अच्छे से गल गया है। ये हमारे चॉप्स फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम देंगे कोयले का धुआं। कोयला डाल देंगे, इसमें ऑयल खुद ही है तो धुआं, गैस को ऑफ कर रही हूँ मैं। ये फ्राई चॉप्स रेडी है, अब इसका मसाला बनाते हैं। ये सेम बर्तन है, इसमें थोड़ा सा चॉप्स का जो ऑयल था वो है और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल और डाल रही हूँ। और इसी में हम ये मसाला डाल देंगे, बना के रखा था ये मसाला ऐड कर रही हूँ। ये क्रीम और काजू का पेस्ट है, इसको भी ऐड कर लेना है और इसे हमें अच्छे से भून लेना है, जब तक के मसाले में से सारी बास ना चली जाए, रॉ स्मेल नहीं चली जाए, जब तक हमें अच्छे से इसे भून लेना है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ये वही मिक्सी का जार है जिसमें थोड़ा सा क्रीम और काजू लगा था, तो बिल्कुल मामूली सा पानी ऐड करना है। और इसमें हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, और इसे हमें छोड़ना नहीं है, इसे
चलाते ही रहना है, नहीं तो इसमें काजू है वो चिपक जाएगा, जल जाएगा। इसके लिए मसाले को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया और इसे 3 से 4 मिनट ही लगा भूनने में। और इसमें ज़रा सा पानी डालूंगी जिससे मसाला वापस खुल जाए सारा। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने फ्राई चॉप्स, इसको इसमें ऐड कर देंगे सारे। और गैस का फ्लेम स्लो करके इसे ढक्कन ढक देंगे, 2 से 3 मिनट रख देंगे कि आपस में सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाए चॉप के ऊपर। एक मैंने पैन ले लिया है और इसमें ये आधी चम्मच से भी कम ऑयल है, ये इसे डाल लेना है। बिल्कुल थोड़ी सी ही ऑयल मैंने डाला है। अब इसके अंदर ये जो राउंड कटी हुई प्याज है हमें इसे थोड़ा सॉटे करना है इस तरीके से। ये प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गई है, इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इसका जो क्रिस्पीनेस है वो चला जाएगा। बस हमें प्याज इतने ही चाहिए। और अब हम इसे डालेंगे चाप के ऊपर। 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन ढक के रख लिया था, ये रेडी है। अब इसके ऊपर हम ये सॉटे की हुई प्याज डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। और मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। पहले इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सारी चीज़ प्याज डालने के बाद अच्छे से मिला लिया है। इसे 40 to 50 सेकेंड तक आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ को। अब यहाँ पर गैस ऑफ करते हैं। ये फ्राई मसाला चॉप्स बनके रेडी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।